आम आदमी पार्टी के सुप्रसिद्ध स्लोगन बिजली हाफ पानी माफ अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार बिजली और पानी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोलने के लिए दिल्ली के नरेला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत कर सरकार का जमकर विरोध किया। उत्तरी पश्चिमी संसदीय क्षेत्र के सांसद हंसराज हंस, विधायक एवं प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष नीलदमन खत्री, निगम पार्षदा सविता खत्री, चेयरमैन नरेला जोन सुनीत चौहान आदि मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए बदलने और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कही गई। प्रदर्शन में महिलाओं ने मटके को सर पर उठाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। केजरीवाल पानी दो, पानी दो, पानी दो। जनता पार्टी के लोग तो हैं, पर आम लोग भी बहुत सारे दुखी हैं। इतना प्रदूषित पोल्यूटेड हवा है, सांस लेना मुश्किल, सांस लेना भी बुरा लगता है। तो पीने को पानी, देखो गर्मी कितनी शिद्दत की गर्मी है, पीने को पानी नहीं मिल रहा, लोग कुरला रहे हैं। इस तरह से आपने लोगों को उनके हक मिले, बेसिक नीड्स पूरी हो, जीने के लिए थोड़ा सुख जिंदगी मिले, इसके लिए धरना प्रदर्शन। जो काम केजरीवाल सरकार ने किया है कि अनुथराइज कॉलोनी में पानी की लाइन दब चुकी है और उन लाइन को दबे कम से कम दो दो साल हो चुके हैं। उन लाइनें तो दब चुकी हैं पर उनमें पानी नहीं है, तो लाइन दबाने से पहले सरकार को, रजा सरकार को अपना पानी का इतना प्राप्त होना चाहिए था कि उन लाइनों पाइप लाइनों में पानी जा सके। ये सिर्फ जनता को बगलाने का काम है, जिसका हमारे पास पानी 100 घरों का है तो हम 5,000 घरों में उस पानी को कैसे दे सकते हैं। ये राज्य सरकार का काम है और ये सच्चाई हमें लोगों को बतानी पड़ेगी कि ये पानी के सिर्फ पाइप पाइप दबे हैं, आपके यहाँ पानी अभी आ ही नहीं रहा। ऐसे नहीं है कि हम राज्य सरकार पानी ले नहीं सकती, हमारे पास में हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ नदियाँ ही नदियाँ है, वहाँ से हम पानी ले सकते हैं। सारा पैसा तो वो झूठे प्रचारों में उड़ा रहे हैं, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। और रही एमसीडी की बात, एमसीडी को तो केजरीवाल ने बिल्कुल पंगू बना दिया है। आज का जो धरना प्रदर्शन है, नरेला विधानसभा का धरना प्रदर्शन है, इसमें आदरणीय हंसराज जी के नेतृत्व में, विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में, नीलदमन जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ जो त्राहिम त्राहिम नरेला विधानसभा है, जो पानी नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत पानी भी आता है तो वो पानी ऐसा होता है जैसे कोको कोला के रूप में होता है। तो ये धरना प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ बिजली पानी के लिए है और जल बोर्ड की जो व्यवस्था है वो बड़ी गंदी व्यवस्था है। पानी की कमी के कारण लोग त्राहिदारी कर रहे हैं, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मानसून सत्र बुलाओ, दिल्ली सरकार जानबूझ के मानसून सत्र नहीं बुला रही है। पानी की बात करें, अभी आपने पानी की समस्या बताई है यहाँ पे, तो दिल्ली सरकार ने अभी तक मानसून सत्र का आयोजन नहीं किया है, मानसून सत्र, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मानसून सत्र वो क्यों करेंगे, उनको पता है अगर मैं 70 रखूंगा तो दिल्ली की जनता की आवाज बनकर जो विजेंद्र गुप्ता जी अपनी बात रखते हैं, हमारे 4 विधायक इस दिल्ली की जनता की बात रखते हैं, बहुत सारे विधायक तो उनके याद छोड़ करके भाग रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, अगर वो 70 रखेंगे तो उनके खुद के विधायक इस दिल्ली की जनता की हकों की लड़ाई के लिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा उसमें आए हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में आयोजित हुआ धरना प्रदर्शन आखिरकार केजरीवाल के पुतला दहन के साथ समाप्त हुआ। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से पानी की समस्या को कर दिल्ली वासियों को एकमत किया गया और साथ ही साथ केजरीवाल के सभी झूठे वायदों से लोगों को वाकिफ कराया गया। इसी के साथ मेरे सहयोगी जसपाल सिंह के साथ मैं गुलफ्शा अंसारी, नेशनल थॉट।